दुर्गा भैया तो वहाँ पे जगह लो दुर्गा अच्छा हाथ की थी जो पुलिस ने प्रार्थना पत्र दिया था रेप की धाराओं को बढ़ाने के लिए उस पर हमारी आपत्ति डाली थी। हमने अपना पक्ष रखा है कि इस मामले में जो है वो रेप की धारा नहीं बढ़नी चाहिए। और दुर्गा चाचा पीछे करके जूम कर लो थोड़ा, उसको हमने बताया कि किस तरह से संदेह के घेरे में है और किस तरह से समाचार प्लस थोड़ा नीचे कर ले। आपको सबसे महत्वपूर्ण एक बात बता दें और ज़्यादा तो नहीं, आप वही कल वाली बात है कि आज जो उसके बयान में एक बात आई है कि पीड़िता ने जो अपना 164 का बयान दिया था उसमें ये कहा है एक लाइन में, आज चूंकि उसका अवलोकन होकर न्यायालय के बाद सुनने को मिला है कि पीड़िता की बुआ ने ये कहा कि अभी कपड़े मत पहनो, जब पुलिस आ जाए तब कपड़े पहना। तो इससे ये साबित होता है कि पीड़िता की बुआ को किसी षड्यंत्र के तहत बांध भेजा गया था और उसी षड्यंत्र के तहत हमारे मुखिल को जो है फंसाया गया। सर कई घंटे बहस चली आज? ये लगभग 1.5 घंटे चली। अब आगे अब बहस हो गई है, जो भी आदेश न्यायालय करेगा। हमने तो यही कहा कि रेप की धारा नहीं बनती है, रेप का आरोप नहीं बनता है। जमानत के लिए क्या अगली कोई तारीख? जमानत की अभी डेट जो है शायद 21 तारीख। पुलिस को भी आप लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल खड़े किए? कार्यशैली पे हमने पूरा जो है वो आपत्ति दर्ज कराई, उस पर सवाल ही खड़े किए तो पुलिस ने आप लोगों को ऊपर डाल दिया। क्या क्या कहा गया? पुलिस ने ये कह दिया कि जो भी वीडियो या जो भी चित्र प्रसारित हुए हैं वो मीडिया का काम है। तो इस पर मान न्यायालय ने उनसे ये पूछा कि अगर मीडिया ने किया है तो आपने क्या किया, आपने मीडिया के खिलाफ कोई तहरीर दी या कोई मुकदमा लिखा? नहीं, ये नहीं सामने आई बात कि वीडियो किसने बनाया, मीडिया कर्मी तो था नहीं वहाँ पे। यही बात जब मैंने उठाई कि वीडियो कैसे वायरल हो गए, किसने वीडियो बनाए और वो वायरल कैसे हो गए, तो पुलिस ने अपने बचाव में ये कहा कि ये मीडिया की करतूत थी। तो इसलिए मीडिया ने तो न्यायालय ने स्वयं उनसे पूछा कि मीडिया की करतूत थी, मीडिया ने कैसे निकाली, मीडिया को दिए किसने, मीडिया के पास कैसे पहुंचे। बघेल साहब आखिर ये वीडियो जो बनाया गया बनाया किसके द्वारा गया है? यही मेरा भी सवाल है, हम आपसे भी यही पूछ रहे हैं, न्यायालय से पूछ रहे हैं, प्रोसिक्यूशन से पूछ रहे हैं कि ये वीडियो किसके द्वारा बनाया गया और ये प्रसारित और प्रचारित कैसे हो गया। अभी तक रेप की धाराएं नहीं बढ़ी? अभी नहीं बढ़ी, अभी तो ये जो वो जो भी हो वो उनका है, वो जिले की पुलिस अपना काम। अभी जो कार्रवाई चल रही है वो किस, ये कलमबंद बयान जो अवलोकन हुआ क्या उसमें दुष्कर्म की बात आ रही है? नहीं, उसमें नहीं आ रहा, उसमें केवल इतना आ रहा है कि चूंकि उस बयान के बारे में आपको नहीं बताया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं आई है। बयान उसका हम आपको पढ़ के या कहीं के सुना नहीं सकते हैं। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो किस और बढ़ेगी? अब आगे की कार्रवाई तो हम तो यही मान के चलते हैं कि हमारे वकील के ऊपर दुष्कर्म का आरोप की धारा नहीं लगी। क्या पीड़िता और पुलिस के बयान अलग अलग हैं क्या? हाँ बिल्कुल, पुलिस की तो पूरी कार्रवाई अलग है, उसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। पुलिस तो अब अपना पुलिस को कहना चाहिए क्या उसको कहेंगे अपनी कार्रवाई को। भाई जब पीड़िता ने बताना तो नहीं चाहिए लेकिन उसका एक लाइन का बयान है कि बुआ ने कहा कि अभी कपड़े मत पहनो, जो पुलिस आ जाए तब पहनना, तो ये किस ओर इशारा करता है कि बुआ को षड्यंत्रकारी बनाकर इस षड्यंत्र में सम्मिलित करके वहाँ भेजा गया है? अब ये उनका बयान है, ये उसको ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं लेकिन ये